आप क्या सोच कर जा रहे हैं? स्ट्रेटजी कुछ नहीं है, क्योंकि अगर जो स्ट्रेटजी होती है वो दिखता है कि हाँ जी स्क्रिप्टेड है, जो करेंगे वो सामने करेंगे, मुंह पर थप्पड़ मारेगा पड़ेगा तो दर्द होगी, उसका रिएक्शन वहीं पे होगा, यहाँ नहीं होगा। क्या आपको डर लग रहा है? थोड़ा सा, ये थोड़ा तेज चल रहा है आज। ऑलराइट, देन आई वुड लाइक टू गिव यू क्यू 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 डर के आगे जीत है। अंदर जाइए, जज आपका इंतजार कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक। बैठ जाओ। थैंक यू सर। पूरा नाम? निपुण मल्होत्रा। फॉर्म में क्या लिखा? निपुण द परफेक्ट। उसमें सर उसका मीनिंग लिखा है, निपुण का मतलब होता है सर द परफेक्ट, मतलब परफेक्ट। परफेक्ट है। यस सर। व्हाट्स द सेक्सीएस्ट थिंग अबाउट यू निपुण? सर नाउडेज माय हेयर कट। पूरा पैकेज सेक्सी आपका? मुझे लगता है। वन थिंग यू आर बेस्ट एट, क्या लिखा तूने? मैं लिखने में लिखता हूँ सर मैं कभी कभी, और सर टॉकिंग स्किल्स। I can make the heaven to hell by my words and my ideas which I draw on the canvas called a blank page. One thing we must know about you. The space is so less to express myself. Anyway, I directly come to the point. I am a dashing dude with nice looks and have an attitude. Bulao jisne ye likha hai usko bulao. Sir samne baithe aapke. Tell us why you should not be selected. Pehle to likha my size if you think so. But let me inform you that this small dynamite has enough amount of RDX which can explode very high. ये सब आपके बारे में आइडियाज़ कहाँ से आए? जब से एडोलसेंस एज आई तो उस तब से मेरे स्टाइल ऐसे थे, सबको लगता था अलग है। तुझे कैसे पता कि सबको लगता है कि तू अलग है? पूरी क्लास का, पूरे कॉलेज में एक बंदे के लंबे बाल थे। तो ऐसे एक जगह पर जहाँ पर कोई भी अपने लुक्स पे वर्क नहीं करता, उसमें तूने लंबे बाल करके तूने सोचा कि मैं परफेक्ट हूं। मेरा जो हेयर स्टाइल है एक्चुअली लड़कों में मेरे हिसाब से बस एक चीज है, जिसे हम कुछ करेंगे उसके साथ तो दिखेगी। मैं बालों के साथ छेड़खानी करता था। करते हैं। मैं तो ये बालों से इसकी हटती हटता ही नहीं है। ये क्या बात कर रहा है यार तू? मेरे को हर स्टाइल अपना अच्छा लगता है सर। शर्ट पहनी है, बैंड यहाँ पहनना था यहाँ पहना है, और बेल्ट सीधी अंदर जाती है यहाँ करी है। ये आपने भी किया था? अभी तक अलग नहीं था, अब मैं तेरे को अलग करता हूं। ओके सर, ऑल योर्स। कैन आई इधर कर सकते हैं कि नहीं? ये इधर ही तेरे नाम। परफेक्ट चाहिए मुझे, हर चीज परफेक्ट चाहिए। तेरे को ये स्टाइल पसंद है? नहीं नहीं ना। नहीं तो तेरा जो स्टाइल था अभी वो खत्म हो गया। ओके हो गया, हो गया। तो तेरे अंदर जो सेक्सी चीज थी वो खत्म हो गई? नहीं रख, ऐसे रख, ऐसे बोला डायरी सेक्सी सर, ऐसे पूरा पैकेज सेक्सी है। मैंने ये भी मेंशन किया क्या-क्या चेंज करना है। पूरा पैकेज दिखा तू। खड़े हो। इसने कहा ये बेल्ट अलग तरीके से पहनी है, अगर तूने ऐसे नहीं पहनी होती तेरे में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता। सर एक एक चीज चेंज करने से कुछ इंटरेस्टिंग आइटम बनती है, या बाकियों से अलग करें तो हम अच्छे अच्छे ना भी लगें, अपने दिल को। तूने कहीं लिखा होगा कि माय टॉकिंग स्किल्स आई एम बेस्ट एट? क्या बड़बड़ करता रहता तू 24 घंटे? क्या बड़बड़ कर रहा तू? बैठ जा। वो गले में क्या पहना? उतार दे। ये क्या आम में क्या पहना था तूने? ये भी उतार, वो भी उतार, बेल्ट उतार। और एक नया नहीं, 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 हेयर स्टाइल दूंगा मैं जो प्रॉपर है, जो घर वाला है। परफेक्ट, प्रॉपर। बैठ जा, आगे बंद। ठीक है सर, शीशा आप देख सकते हो? झेल नहीं पाएगा। जेल में सब कुछ सकता हूँ। अब मैं तेरे हिसाब से तेरे बारे में जो स्टाइलिश या सेक्सी चीज़ें थी या इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, तेरे बाल, तेरा बेल्ट, तेरे बैंड्स और वो उतर गए, ठीक है? अब क्या तेरे में? सर मैं हूँ निपुण। अभी तक कहाँ था? अभी तक तू एक बेल्ट था, एक हेयर स्टाइल था और एक बैंड था, अभी तक तू कहाँ था? सर अगर तू निपुण इंटरेस्टिंग है तो तेरे को वो सब करने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं इसका दे दूं इंट्रोडक्शन। निपुण वो बंदा है स्कूटर में घूम के लड़कियों के घरों के नीचे रात को शाम को गेड़िया मारता है ये आदमी, और लड़कियों को कहता है यार अगर मेरे में कुछ है नहीं तो लड़कियां तभी मेरे से बात नहीं कर रही। मैं देख रहा हूँ बाकी जो लड़के जैसे बात करते हैं वो स्टाइलिश है, उनके हाथ में चीजें होती हैं और वो अलग निकलते हैं, तो मैं भी ये कर लूंगा, शायद ये भूल जाए कि मैं एक ठिग्गा नकली आदमी हूँ। अनइंटरेस्टिंग। हाँ वो मेरे बेल्ट को देख के मेरे को टॉल समझेंगी और मुझसे बात करनी शुरू हो जाएगी। तुम क्या कर रहे हो अभी?
सब बीटेक अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। कितने टाइम से मीडिया में काम कर रहे हो? नहीं सर आज से नहीं। नहीं करेगा? कोई चैनल चलाता था? नो सर। नहीं, यू डोंट वर्क फॉर अ चैनल? प्रोडक्शन हाउस में काम किया? नो सर। तो अभी तो 12 से निकला हूं। टीआरपी का फुल फॉर्म क्या है? टीआरपी का फुल फॉर्म वो करने से पहले अपना जवाब पढ़ दे पहले। इट्स इंपॉर्टेंट। द वर्स्ट थिंग अबाउट द रोडीज इज द यूज ऑफ एक्स्ट्रा अब्यूसिव लैंग्वेज जस्ट टू इंप्रूव टीआरपी। ये लिखा तूने? अब मेरे को टीआरपी का फुल फॉर्म बता फटाफट। पब्लिसिटी। हां पब्लिसिटी। टीआरपी का फुल फॉर्म नहीं पता तेरे को? नहीं सर। तुमने लिखा है यहाँ पर एक्स्ट्रा अब्यूसिव लैंग्वेज यूज होता है टीआरपी बढ़ाने के लिए। आई थिंक सो सर। एक मेरे को ये एक्सप्लेन कर दे कि कैसे टीआरपी इंक्रीज होता है ये गालियां देने से। हम बता दे, हम लोग वही सीख जाएंगे आज। हाँ, लिख लेते हैं। लिखो मत सर, आपसे मैं सिखाऊं। बता क्या सिखाया? हां तो मैं ये सिखाऊं कि आपके शो से मैंने जब देखा था गालियां चल रही थी, पहली बार जब देखा था लड़ाई हो रही थी, उसके बाद क्यों हो रही थी तुम्हें याद नहीं हुआ सर? क्यों का मैं क्या करूं, आज तक किसी शो पे गाली नहीं दिखाई गई, इस शो पे दिखाई जा रही है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता अच्छी है क्या बुरी। पब्लिसिटी मिली गालियों से, मैंने ये पॉइंट रखा है। ओ निपुण द पप्पू सुन मेरी बात, एक काम करते हैं, शो इज परफेक्ट। अभी ना अभी मैंने हम अपनी टीआरपी बढ़ाने वाले, ठीक है? टीआरपी बढ़ाता हूँ मैं तेरे, रुक जा। हाँ कितनी बढ़ गई टीआरपी हमारी? कितनी बढ़ गई टीआरपी? पता नहीं सर, सॉरी। हाँ डिलीट दैट वर्क क्वेश्चन, हटा दो मेरा। नहीं तो समझा यार, समझा मुझे कि ये टीआरपी बढ़ती कैसे? टीआरपी बढ़ती कैसे सर? टीआरपी जनता को वो एडिटेड सीन दिखते हैं जब एड में कि हाँ इसको गालियां पड़ रही हैं, ये शो देखना ही देखना है, एड में भी बंदा हिलेगा नहीं। तो लोग, तू कह रहा है कि देखना चाहते हैं, देखना चाहते, गालियां देखना चाहते हैं? देखते हैं, मैं खुद देखता हूँ। तो खुद देखता है? यस सर। मगर तूने लिख दिया कि ये सबसे बुरी बात है रोडीज के बारे में। सर बुरी इन द सेंस क्योंकि मेरी पूरी फैमिली देखती है। एक बात बता, अभी जो राजू ने तेरे को गालियां दी वो टीआरपी बढ़ाने के लिए दिया है या अपना? नहीं सर, अपने बारे में ओपिनियन बता रहा है। अपनी जो फ्रस्ट्रेशन थी बढ़ा दी मेरे ऊपर, वो निकालने के लिए दिया। और एक बात बता, अगर मैं तेरे चार चांटे अभी जमा वो एक ऐड भी बना दूं उसका, मेरे शो का फायदा होगा? पता नहीं, ये अब आपको बता, मैंने डिलीट कर दिया वो पोस्ट। तेरे हिसाब से? ओए तेरे डिलीट करने से कुछ नहीं होता, अब तूने लिख दिया। मैं लिख दिया। तेरे हिसाब से फायदा होगा मेरे को? आई थिंक सो। जवाब दे। चार होगा, काफी तेज पड़ेंगे सर, तो थोड़े धीरे मारना। रेटिंग्स भी तो ज्यादा चाहिए सर। इतनी हाई मत करो कि मैं यहाँ से स्ट्रेचर पे जाऊँ। मारोगे नहीं? नो सर, मुझे मत मारो, किसी और को मारो। हम टीआरपी के लिए तेरे को नहीं मारेंगे। okay. हम जब मारेंगे ना तो अपने खुशी के लिए मारेंगे पप्पू। ठीक है, एक काम करूंगे कड़ो। अभी आसपास कैमरा है? आसपास कैमरा है? नहीं, नहीं। तो अगर अब मैं तेरे मारूं तो मैं टीआरपी के लिए मारूंगा या किसके मारूंगा? नहीं अब अपनी खुंदक निकालने के लिए। अपनी खुंदक निकालने के लिए बना दो तेरा पोस्टर। नो सर, कैमरे आगे तू बच गया। ओके सर। तू जैसे ना जो टीवी के बारे में नहीं जानते और घूमते फिरते कि रोडीज इसलिए करता है उसलिए करता है, क्यों देखता है तू शो? अपनी माँ को भी बोलने देखने के लिए। बैठ जाओ, रोडीज बनना है, चुपचाप जाके बैठ। I'm done. You're done? I'm done. अपना सामान उठा। Thank you very much. निपुण। Hi. क्या हुआ अंदर बताइए मुझे? सामूहिक। उसका का मतलब क्या होता है? अच्छे से उतारा सब कुछ, एक एक चीज आप देख सकते हैं, तो कुछ भी वो मत पहनो जो तुम्हारे पास नहीं है, जो बाहर से खरीदा हुआ है। जस्ट बी योरसेल्फ। मैंने लिया है, आप मत आना ऐसे। नेक्स्ट टाइम मैं कुर्ता पजामा में आऊंगा। मैं बताऊं मैं क्यों ले गया था उसको वहां पर?
अब मेरे को, मैं चाहता नहीं था कि कैमराज वहाँ पर आए। जब राजीव ने उसे गालियाँ दे के गर्दन पे हाथ रखा ना, तूने देखा नहीं होगा राजीव, तू वापस आ रहा था, इस बंदे में बहुत इंटेंसिटी आ गई थी एक, ठीक है, काफ़ी ये इमोशन में आ गया था, आँखें थोड़ी सी मॉइस्ट हो गई थी और सांस उसकी फुल गई, ठीक है। मुझे लगा ये कुछ क्या है, उसने ऊपर लिखा भी हुआ कि मेरा एंगर है कुछ। मैंने कहा ये कैमरा के लिए तो नहीं कंट्रोल किया या क्या है। मैं बाहर ले गया उसको और मैंने धमके दी। इतना सा भी एटीट्यूड, इतना सा भी इमोशन, इतना सा भी गैरत नहीं थी इसके अंदर। ही बिलीव्ड आई वाज गोइंग टू बीट हिम अप एंड ही वाज ओके विद इट, ही वाज रिजाइंड। मुझे लगता था कि ये सब चीजें, चीजों के साथ किसी की पर्सनैलिटी एनहेंस होती है, बट उन्हें क्या लगा कि इन सब चीज़ों के बिना भी एक बंदा जो है वो दिख सकता है। तो वो मुझे आज समझ आ गया, नेक्स्ट टाइम। इस बार तो बहुत टीआरपी बढ़ गई, टीआरपी बढ़ गई इस बार। टीआरपी अभी कैसे बढ़ेगी बाबा, वही तो रघु तुम्हें समझा रहे थे, समझ नहीं आया था जब। मतलब टीआरपी का कोई सीन नहीं है, गालियाँ देते हैं हम अपनी मर्जी से देते हैं, किसी की करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है। कभी को ये मत सोचे कि उनको कुछ मिल रहा है, तुम अपने मुँह से बोल रहे हो, अपनी भड़ास निकाल रहे हो। राजीव सर ने निकाली बहुत ज़्यादा। The perfect disaster. Clueless. I, Nipun, the perfect disaster.